कोरोना महामारी के कारण नियमित रूप से स्कूल नहीं लग पाए, जिस वजह से कई छात्र सही ढंग से पढ़ाई करने से वंचित रह गए। छात्रों का तनाव करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोर्स में 30% कटौती जरूर की है, लेकिन छात्रों के लिए और भी ज्यादा तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल बार बार परीक्षा के कोर्स में और परीक्षा के टाइम टेबल में परिवर्तन कर रहा है, तो कभी ब्लू प्रिंट जारी करके उसे फिर से निरस्त कर देता है, तो कभी खबर आती है कि कोरोना के कारण परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होगी। इस सब के चलते जब छात्र MPBSC द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 7552551166 पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो पाता। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से और माध्यमिक शिक्षा मंडल से आग्रह है कि कृपा करके MP बोर्ड के छात्रों को आश्वस्त करें और संतुष्टि दिलाएं, क्योंकि हर साल कई छात्र परीक्षा को लेकर तनाव की स्थिति में आ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इस साल ऐसी कोई भी घटना हमारे प्रदेश में न घट सके, इसलिए हम सब छात्र इन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, देवास में, इंदौर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी मांगे हैं कि हमारी परीक्षा ओपन बुक या ऑनलाइन पद्धति से आयोजित हो, अगर नहीं होती है तो हम सब छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार स्कूली छात्र आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपका नाम और पद बता दो। मेरा नाम अमन पटवारी, कक्षा 12वीं का छात्र। धन्यवाद।